एक शो ऑफ सॉलिडेरिटी है। ये जो आसिफा हु वाज ब्रूटली रेप्ड एंड देन किल्ड एंड इट इज आल्सो अ शो ऑफ डिनंसिएशन फॉर दोज हु हैव इम्पीडेड द कोर्स ऑफ जस्टिस, जिन्होंने इंसाफ के हुसूल में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की है, ये उनके खिलाफ है। और आसिफा के साथ यकजहती के तौर पर हमने आज का ये प्रोटेस्ट मार्च किया है। सर, आप क्या लीगल एड के लिए एडवाइस करेंगे आपकी तरफ से? अगर कोई हमें अप्रोच करता है तो हम देखेंगे कि किस तरह हम उनकी मदद कर सकते हैं कानूनी तौर पर। तो आज तक तो कोई आगे आया नहीं, बट इफ़ दे कम टू अस दे से दैट वी वांट सम काइंड ऑफ लीगल असिस्टेंस, वी आर हियर, वी कैन प्रोवाइड दैट लीगल असिस्टेंस टू देम। कौन कह रहा है? हर एक एक्यूज यही कहता है। जब किसी एक्यूज के खिलाफ कोई केस अदालत में शुरू होता है या उसके खिलाफ दाखिल किया जाता है तो वो हर वक्त यही कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ। अब ये कोर्ट का काम है देखना। शहादतें तो पुलिस ने इकट्ठी की हैं, 130 गवाह हैं, उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट भी एक्यूज के, तो ये देखना पड़ेगा कोर्ट को। अगर उनके पास एविडेंस नहीं होगी तो कोर्ट अपना फैसला साजिर करेगी। अगर एविडेंस होगी तो उनको सज़ा होनी चाहिए और वो सज़ा मौत से कम नहीं होनी चाहिए। तो जो अगर हम बात करें तो ये अब चंडीगढ़ हो सकता है कि ट्रांसफर हो सकता है? देखिए, हम केस के ट्रांसफर के हक में नहीं है। आवर डिमांड इज़ दैट द एटमोसफियर एट कुटवा इज़ नॉट कंडिसिव फॉर होल्डिंग ए फेयर ट्रायल ऑफ द केस। सो हाई कोर्ट इज़ देयर इन जम्मू, वी हैव अ विंग इन श्रीनगर, वी हैव अ विंग इन जम्मू। दिस केस शुड बी ट्रांसफर्ड बाई द हाई कोर्ट टू इट्सेल्फ एंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस शुड बी कंडक्टेड बाई द हाई कोर्ट। दे शुड नॉमिनेट अ जज फॉर दिस पर्पज एंड दैट जज शुड बी गिवन दिस एक्सक्लूसिव टास्क ऑफ कंप्लीटिंग द ट्रायल ऑफ दिस केस एज क्विकली एज पॉसिबल।